काजल पांडे हत्याकांड का किया पुलिस ने पर्दाफाश, पति ही निकला कातिल। जी हां, कोतवाली पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत युवती के हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पति ने 30 लाख रुपए बीमा की धनराशि को हड़पने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप दे दिया। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने आज मीडिया को बताया कि मृत युवती आशुतोष दुबे निवासी सरलापुर थाना करंडा की पत्नी थी। आशुतोष दुबे ने इस शादी के बाद भी गांव में दूसरी शादी कर रखी थी। पता लगने पर उसके ससुराल वालों ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। दो शादी होने की वजह से परिवार में काफी कलह थी। पहली पत्नी को हटाने के लिए 30 लाख बीमा की राशि हड़पने के लिए इस कलह को समाप्त करने के लिए आशुतोष ने अपने ही गांव के प्रिंस सिंह उर्फ लड्डू पुलिस रमेश सिंह राकेश केसरी पुत्र सियाराम केसरी निवासीगढ़ सरलापुर थाना करंडा के साथ मिलकर योजना बनाकर मृत युवती को सम्राट ढाबा से आगे बुलाया और अपनी काली रंग की स्कॉर्पियो पर बैठा लिया। तीनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को एक्सीडेंट के रूप में फेंक दिया गया, जिससे लगे कि उसकी मौत दुर्घटना में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, तो कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त अभियान चलाकर इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया। प्रिंस सिंह और राकेश केसरी को गिरफ्तार कर धारा 302 301 में चालान करते हुए जेल भेज दिया गया। शादी हुई जिसके कारण वो परिवार में विक्टिम रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया है दौरान तफ्तीश, करीब एक साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया, उसने अपने इन दो साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, एचएसबी है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है जहां पर युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है, और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह कर कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। जब दौरान तफ्तीश इनसे